शिव भक्तों के लिए इस साल श्रावण मास में जोधपुर से अच्छी खबर है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और घंटी को जरूर दबा दे हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। जोधपुर जिले के उसिया कस्बे में इस बार विश्व का सबसे अनूठा और ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। यह शिवलिंग रुद्राक्ष का है जिसकी तैयारी 3 महीने से चल रही थी। 3.75 फीट ऊंचे इस शिवलिंग को बनाने के लिए 25 लाख रुद्राक्ष नेपाल के विराटनगर एवं नेपालगंज से मंगवाए थे। आयोजन समिति के रमेश कुमार सोनी ने बताया कि यह शिवलिंग 3 लाख स्क्वायर मीटर जगह में बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए धर्मपुर गुजरात के 160 कारीगर लगे। विश्व में कहीं नहीं है रुद्राक्ष का शिवलिंग। रुद्राक्ष महाशिवलिंग परंपरा के सर्जक बट भाई व्यास के सान्निध्य में 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से 17 जुलाई अष्टमी तक महारुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ तथा शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक रुद्राक्ष का कोई भी शिवलिंग विश्व में कहीं भी इतना लंबा नहीं बना है और जो शिवलिंग अभी तक सबसे ऊंचा बना है वह अधिकतम 31 फीट ऊंचा ही है। जोधपुर में बने शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट से अधिक है। अप्रैल में शुरू हुई थी तैयारियां। इस शिवलिंग के निर्माण को लेकर तैयारियां अप्रैल माह से ही शुरू हो गई थी। सर्वप्रथम 5 अप्रैल को धर्मपुर गुजरात में रुद्राक्ष का चयन किया गया। इसके लिए 2 महीने 7 दिन तक इन रुद्राक्ष पर दिन रात काम चलाकर साफ किया गया। साथ ही यह भी देखा गया कि कहीं कोई रुद्राक्ष खंडित तो नहीं है। इसके बाद इन सभी रुद्राक्ष की मालाएं बनाई गई जिनका उपयोग शिवलिंग बनाने में किया गया। इसके बाद यह रुद्राक्ष पैक करवा कर रखे गए। कैलाश मानसरोवर के नाम से होगा महाशिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग की शक्ति पीठ के निर्माण कार्य में करीब 40,000 ईंटें लगी हैं। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आयोजन में महाशिवलिंग का अभिषेक कैलाश मानसरोवर के नाम से होगा। साथ ही रुद्राक्ष के पौधे का पूजन भी किया जाएगा। प्रत्येक रुद्राक्ष शिव के समान है। रुद्राक्ष महाशिवलिंग परंपरा के सर्जक बट भाई व्यास का कहना है कि रुद्राक्ष के अर्चन और अभिषेक से लाखों शिव के पूजन का फल प्राप्त होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।